हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां घट जाती हैं जिस पे हमारा कोई काबू नहीं होता, और फिर उसके कारणवश हम जिस भी स्थिति में आते हैं हम सिर्फ उसके अतीत को ही दोहराते रहते हैं, बार बार अटकलें लगाते रहते हैं कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता, अगर मैंने इस तरह सोचा होता तो क्या होता। जो हमारे साथ घट चुका है वो कहीं ना कहीं ज़रूर घटना ही था। अगर हमारे काबू में कोई चीज़ है तो वो है उससे एक सीख लेके आगे बढ़ने की एक नई उम्मीद रखना। अतीत में फंसे रहने से हमारा वर्तमान तो हाथ से निकलता ही जाता है, पर साथ में भविष्य हमेशा के लिए डूब जाता है। अतीत से सीखना ज़रूर चाहिए, मगर हताश नहीं होना चाहिए। उसकी सीख से हम अपने भविष्य और वर्तमान दोनों को ही काबू में ला सकते हैं, और ये विवेक ज्ञान हमें कोई गुरु नहीं, हम स्वयं ही दे सकते हैं। हमारा गुरु हमारे अंदर छुपा है, और आज के ध्यान में हम अपने इस गुरु को ही जागृत करेंगे। तो एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, ध्यान रहे कि कमर सीधी हो, आंखें बंद कर लें और दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लें। एक लंबी गहरी सांस भरें और इसे रोक लें। सांस को मुंह से छोड़ते हुए अपने कंधों को, कमर को, पैरों को ढीला छोड़ते जाइए, ढीला छोड़ते जाइए। एक और लंबी गहरी सांस भरें और इसे पूरे शरीर में फैलने दें और इसे कुछ पल के लिए रोक लें। और अब जब सांस हम मुंह से छोड़ेंगे तो शरीर के हर कोने में जो भी तनाव छुपा है उसको बाहर जाने दीजिए, बाहर जाने दीजिए, बाहर जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लें और इसे रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से तक खींच के ले जाएं और रोक लें। अब जब सांस को हम छोड़ेंगे, देखिए कि ये शक्ति, ये ऊर्जा, ये सांस ऊपर की तरफ आपकी ऊर्जा को खींचते हुए आपके शरीर से किसी भी तरह के पुराने विचारों की रुकावटों को, बाधाओं को बाहर की तरफ फेंक रही है। दोबारा अपना ध्यान अपने सांस पर ले जाएं और देखिए क्या मेरी सांस गहरी है या नहीं, मेरी सांस मेरे पेट तक जा रही है या नहीं, क्या ये सांस मस्तिष्क में घूम रही है और मुझे एक आरामदायक स्थिति में ले जा रही है। अगर इसमें और भी कुछ मुमकिन है तो इस सांस को और गहरा होने दीजिए। शरीर से किसी भी तरह की हरकत को ख़त्म कर दें, ना उंगलियों को हिलाएं, ना कंधों को हिलाएं, बिल्कुल स्थिर पुत की तरह हो जाएं, बिल्कुल शांत। शरीर पे आ रही हवा को भी महसूस करें, किस तरह वो आपकी त्वचा को छू रही है। अपने कानों के प्रति अपना ध्यान बढ़ाएं, इस शांत स्थिति में भी किस तरह की आवाज़ निरंतर चलती जा रही है, इस धरती की क्या आवाज़ है उसको महसूस करें। अपनी आँखों को महसूस करें, किस तरह से वो बंद होने के बाद भी अंतर मन में देखे जा रही हैं। आँख बंद होने के बाद भी दृश्य बंद नहीं होते, पर इस दृश्य में मुझे क्या देखना है इसे मैं ज़रूर काबू में लेकर आ सकता हूँ। क्या रंग है आपके आत्मा का उसे महसूस करें। कैसी दिखती है वो सांस जो आपको जीवन दे रही है। ध्यान अपनी नाक पर ले जाएं, अपने आसपास आ रही हर तरह की गंध से वाकिफ हो जाएं। देखिए किस तरह से सांस आ रही है और बिना आपके किसी प्रयास के ये निरंतर आती जा रही है, जाती जा रही है।
किस तरह ये गर्म ठंडे का फर्क समझती है, किस तरह ये हर स्वाद को भिन्न भिन्न तरीके से समझ पाती है। देखें कि धीरे धीरे एक प्रकाश आपकी भौहों के बीच उतर रहा है, आपकी तीसरी आंख के अंदर, और एक तेज फव्वारे की तरह, एक तेज बहते पानी की धारा की तरह उन सारे विचारों को पीछे ढकेलता जा रहा है, आपके शरीर से बाहर निकालता जा रहा है, जो अब आपके जीवन में किसी तरह का योगदान नहीं दे सकते। ये जानना जरूरी है कि मेरे कौन से विचार मेरे कल को बनाएंगे और मेरे कौन से विचार मेरे जीवन में बेड़ियों की तरह बंध के मुझे पीछे को खींचे जा रहे हैं। तो उन सारी बाधाओं से अब ऊपर की तरफ उठते हुए, अपनी विचारधारा को पूरी तरह से साफ होते हुए महसूस करें और अपने अंदर अपने उस गुरु को, अपने उस अंतर्दृष्टि, अंतर मन को, अंतर ज्ञान को जागृत होने दें, जागृत होने दें। इस शांत स्थिति में सुनने की कोशिश करें अपने अंतर मन से, मैं ऐसा क्या नया कार्य कर सकता हूँ जो मेरे जीवन को एक खुशनुमा दिशा देगा, मैं ऐसे क्या नए विचार अपने अंदर धारण कर सकता हूँ जिससे मैं हर पल खुशी के रास्ते पर चल सकूँगा, सफलता पा सकूँगा। कुछ पल स्थिति में रहते हुए इसे महसूस करें, कितना शांत और उज्ज्वलित महसूस कर रहे हैं। एक नया मार्गदर्शन आपको हर पल मिलता जा रहा है। अब धीरे से हम अपने वास्तविक जीवन में वापस आएंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और इनको अपनी आँखों पर रखते हुए चेहरे पर एक मंद सी मुस्कान ले आए, और जब हम इन आँखों को खोलेंगे तो हम प्रण लेंगे कि हम अपनी अंतर्दृष्टि से हर परिस्थिति को देखेंगे और सिर्फ नए विचारों से आगे की तरफ बढ़ेंगे। आंखें खोलते हुए शांत स्थिति को महसूस करिए।